मेरा नाम है रूपाली शर्मा और बजट को लेकर अगर बात की जाए तो आज बजट 2024-25 जो है वो पेश किया गया और आपको बता दें ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सातवीं बार पेश किया है और मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है और इसमें ये पहला बजट जो है पेश हुआ है जिसको लेकर अगर बात की जाए तो आपको बता दें इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि बजट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सस्ती हुई और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो महंगी हुई क्योंकि बजट जब आता है उससे आने से पहले जो है लगातार लोगों की उम्मीदें होती हैं कि एक मिडिल क्लास की अगर बात की जाए तो उनकी ज़रूरतों पर जो है बजट में ज़रूर फोकस जाएगा और इस बार बजट की अगर बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया गया किसान वर्ग पर फोकस किया गया युवा पर फोकस किया गया रोजगार देने की बात सामने आई एजुकेशन को लेकर एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफी सारी बातें की गई टूरिज्म सेक्टर को लेकर अगर बात की जाए तो टूरिज्म सेक्टर के हवाले से भी काफी सारी बातें जो है सामने आई थी इसी में आपको बता दें आज ही जो बजट है वो पेश किया गया लेकिन यहां पर सबसे जरूरतमंद चीजें कि क्या क्या सस्ता हुआ इस बजट में और क्या क्या महंगा हुआ तो आपको बता दें इस बजट में सस्ती चीजें जो हुई है वो मैं आपको बताने जा रही हूं सबसे पहली चीज जो सस्ती हुई है वो है चमड़े के जूते जी हाँ इसी के साथ अगर अगले चीज़ की बात करें तो आपको बता दें कि कपड़े जो है वो भी सस्ते हुए हैं सोना चांदी जो है उनका भी रेट गिरा है इस बजट में और सोना चांदी जो है वो सस्ता हुआ है सिक्स परसेंट तक जो है उसमें कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी आपको बता दें इसी के साथ मोबाइल फ़ोन और मोबाइल का चार्जर जो है वो भी सस्ता हुआ है इसी के साथ इलेक्ट्रिक मोटिव मोटर व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो वो भी सस्ती हुई है कैंसर की तीन दवाइयां जो है वो सस्ती कर दी गई हैं तो मेडिकल के हवाले से ये एक बड़ी खबर है क्योंकि दवाइयां सस्ती करना लोगों को कही कहीं ना कहीं एक सहूलियत मिलेगी इसी के साथ आपको बता दें प्लेटिनम भी सस्ता हुआ है आ, बिजली की तार भी सस्ती हुई है एक्सरे मशीन सस्ती हुई है और साथ ही साथ सोलर सेट्स जो है वो भी सस्ते हुए हैं अब सस्ती चीजें तो हमने जान ली और बता दें आपको कि महंगा इस बजट में क्या क्या कुछ हुआ है तो सिगरेट इसमें महंगी हुई है एयरलाइंस की टिकट यानी हवाई जहाज से जो लोग भी ट्रेवल करते हैं आपको बता दें उनकी टिकट्स जो है महंगी होने वाली है प्लास्टिक का सामान जो है इस बजट में महंगा हुआ है और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल जो है वो भी महंगा हुआ है अब इस बजट की बात की जाए तो सातवीं बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये बजट पेश किया और लोगों को लोगों के हित के लिए ये बजट पेश किया गया और इसमें रोज़गार को लेकर महिला सशक्तिकरण को लेकर युवा को लेकर किसानों को लेकर हर वर्ग का ध्यान रखा गया और आज ये बजट जो है पेश हुआ तो इसमें अगर बात की जाए डिफेंस को लेकर तो उसमें भी एक बड़ा बजट जो है डिफेंस के लिए गया है जिसमें सोशल वेलफेयर की भी बात की जाए अलग अलग योजनाएं और पॉलिसीज़ के हवाले से भी एक तो बजट जो है प्रॉपर तरीके से आज पेश किया गया और इस बजट का हर किसी को इंतजार था और सस्ती और महंगी चीजें हर एक आम इंसान जो है देखता है कि बजट पेश होने के बाद आखिरकार क्या कुछ सस्ता हुआ और क्या कुछ महंगा हुआ तो इस वीडियो में हमने आपसे साझा किया फिलहाल के लिए इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार